हैदराबाद घटना में कार्रवाई की बात हो रही थी और हुआ एनकाउंटर। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो इस एनकाउंटर को किस तरीके से देखते हैं। ये बताइए कि हैदराबाद की घटना जब सामने आई तो मन में बेहद गुस्सा था, कार्रवाई की बात हो रही थी और आज खबर आई कि चारों दोषियों को एनकाउंटर में मार दिया गया। किस तरीके से देखती हैं आप इसे? जी, ये बात सही है कि जब ये हैदराबाद की घटना आई थी तब बेहद गुस्सा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। खून में एक उबाल आता है कि इस देश में ऐसा कब तक होता रहेगा। और जब आज एनकाउंटर की घटना आई तो एक सुकून मिला कि हाँ चलो उनका एनकाउंटर हो गया, न्याय मिला। पर इसमें दिल में एक वो भी है कि ये क्या सही बात है, क्या ये सही में हुआ है या फिर ये सिर्फ हमें शांत करने के लिए एक रूमर फैलाया गया है। अच्छा। कि एनकाउंटर हुआ है क्या? अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या सिर्फ एक एनकाउंटर ही जरिया है या फिर कानून इतना सख्त होना चाहिए कि ऐसे लोगों के दिल में एक डर पैदा हो? जी बिल्कुल, कानून इतना ही ऐसा सख्त हो कि लोगों के सोचने से भी रूह कांप उठे कि उनके साथ ऐसा हुआ। मैं ये मानती हूँ कि ये न्यूज़ आई है कि हैदराबाद में जो चार आरोपी हैं उनका एनकाउंटर हुआ है, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से। अच्छा, मैं तो आप क्या चाहती हैं? मैं प्रूफ देखना चाहती हूँ। जैसे हमारे सब हर चीज़ का एक प्रूफ होता है। यानी कि आपको विश्वास नहीं है कि वाकई ऐसा हुआ है या नहीं? बिल्कुल, मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है। तो आप चाहती हैं कि कानून बने, इस तरीके की चीज़ें आपके मन में हैं? जी बिल्कुल, कानून बने और लागू भी हो और सबके सामने भी आए। अच्छा, ऐसा मैं चाहती हूँ। अच्छा, जिस तरीके से ये खबर आई, आपने कहा कि प्रूफ की बात आपने की, आप भी स्टूडेंट हैं, जब आप घर से बाहर निकलती हैं तो मन में किस तरीके की चीज़ें होती हैं? पेरेंट्स भी कॉल करते होंगे तो उनके मन में किस तरीके की चीज़ें होती हैं? क्योंकि जिस तरीके का माहौल देखने के लिए मिल रहा है, लगातार घटनाएँ सामने आ रही हैं, तो कैसे देखती हैं इसे? पेरेंट्स बिल्कुल चिंता होते हैं। जैसे हम घर से निकलते हैं पेरेंट्स को एक बेचैनी सी होती होगी कि हमारी बेटी घर में नहीं है। और जब हम लेट लेट हो जाते हैं ऑफ कॉलेज से आने में तो पेरेंट्स को होता है कि इतना लेट हो गया, अभी तक कहाँ है। तो पेरेंट्स के दिल में भी एक दर्द होता है। बार कॉल करते हैं, पूछते हैं, मिनट मिनट पर कॉल आती है कहाँ हो, अभी तक नहीं पहुँचे। बिल्कुल टाइम होने के जस्ट 10-5 मिनट बाद कॉल आनी शुरू हो जाती है घर वालों की कि कहाँ हो, क्यों नहीं पहुँचे। बस आपसे भी जानना चाहूँगी कि जब एनकाउंटर की खबर आई तो क्या लगता है कि न्याय मिला नहीं मिला, या आप इसको सही मानती हैं, गलत मानती हैं, क्या मानती हैं? जब सरकार कुछ न्याय नहीं कर पा रही है तो इस चीज़ को भी हम न्याय ही मानेंगे। अच्छा। क्योंकि जब तक सरकार का कोई ठोस कदम हमें नज़र नहीं आएगा तो लोग इस तरीके की हरकतें करेंगे क्यों? सबको अपनी बेटी की सुरक्षा पहले नज़र आ रही है। अगर ऐसे दरिंदों को इसी खुले आम छोड़ दिया गया तो वो कहीं ना कहीं दोबारा इस चीज़ को दोबारा तिबारा हजार बार करेंगे। तो हम नहीं चाहेंगे कि ये काम दोबारा हो और ये सज़ा को मैं पूरा समर्थन करती हूँ। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी तमाम तरीके की प्रतिक्रिया है। एनकाउंटर की खुशी तो है लेकिन उनका ये भी कहना है कि सख्त कानून होना चाहिए और जो दरिंदे हैं उनको 6 महीने में फांसी की सज़ा का प्रावधान ज़रूर होना चाहिए।